रिपोर्ट आया था ये ड्रीम लेके कि जब 2020 का नीट एग्जाम होगा तो कम से कम सिलेक्शन में लेके जाऊंगा, तब उतना सोचा नहीं था, टॉप करने का भी नहीं सोचा था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलएन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला, फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे, अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे, तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे, और धीरे धीरे ही हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया, मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला ओडिशा में रहते थे, पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जो मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा। और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करूँ और एग्ज़ाम टाइम में काम रहो। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना की वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन हो, तो देखिए ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2020 में अपना इतिहास रचा है और 720 में से 720 नंबर इनके आए हैं, तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।